जो आप सबको इम्प्रेस कर देगा ये तो मैं शॉर्ट हूँ डायरेक्ट के रनर अप शेप को बीट कर सकता है या कंपेटिटिव बन सकता है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को लाइक like कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं क्योंकि हमें इस चैनल पर अच्छे अच्छे कंपेरिजन वीडियोज देखने को मिलते रहते हैं सो लेट्स स्टार्ट फ्रेन डबल बाइसेप्स एंड आई थिंक आप सबको आइडिया हो ही गया होगा कि विलियम एक्चुअली में डायरेक्ट के इस चैलेंजिंग शेप को चैलेंज करने वाले हैं आज

डायरेक्ट को खा रहे हैं और में में भी William की superior है। I don't know guys, आप क्या चाहते हो? मैं बिल्कुल वे कंपैरिजन करूं या फिर इस चीज को माइंड में रखकर कि डायरेक्ट एक रनर अप है लास्ट ईयर के हम्म भी विलियम के ज्यादा नीचे तक हैं और बेटर वे में ओपन है नाउ लोअर बॉडी में डायरेक्ट इस पोज में अच्छी सेपरेशन के साथ है विच इज मैचिंग विलियम बट विलियम की काव्स डैम सो so, पर भी इस पोज को मैं तो विलियम को ही दूंगा और फ्रंट डबल बाइसेप्स में ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है बट इस पोज में आई डोंट थिंक सो विलियम इज विनिंग इट क्लियरली नाउ नेक्स्ट पोज इज साइड चेस्ट एंड मैन जैसे जैसे ये कंपैरिजन आगे बढ़ रहा है और एक कबिन से जो डायरेक्टरिजन था उसके बाद भी ये एक रियलाइजेशन जैसा हो रहा है कि डायरेक्ट जो सेकंड नंबर पर आए थे लास्ट ईयर के ओलंपिया में उसमें बहुत बड़ा हाथ एक 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 वाव फैक्टर का 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 था था यूनिकनेस क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी पोजिश में तो यही लग रहा है की निक वॉकर क्लियरली आउट मसल और आउट कंडीशन कर देते डायरेक्ट को आई थिंक निक और डायरेक्ट का कंपेरिजन नहीं करा मैंने आई थिंक आई शुड डू इट मैन राइट क्योंकि हमें पता है निक का ओलंपिया का वर्जन ओलंपिया का पैकेज कितना कंडीशन और सेपरेटेड था एंड आई थिंक डायरेक्ट और विलियम का ये कंपैरिजन एक आंसर है उन सब लोगों को जो सिर्फ शेप को प्रेफर करते हैं क्योंकि शेप वाइज यस डायरेक्ट शुड विन बट क्या हम कंडीशन सेपरेशन मसल मेचोरिटी उस हर एक एस्पेक्ट को इग्नोर कर दें बिकॉज आनो प्लास्टिक में तो यही दिखाया, टू बी ऑनेस्ट सो साइड चेस्ट पोज विलियम बॉनिक की राउंडनेस और फुलनेस एक्सट्रीम लेवल पर है जैसे मसल्स अंदर से पुश कर रहे हैं और स्किन को चेस्ट में फाइबर्स विलियम के ही दिख रहे हैं डायरेक्ट पूरी तरह से मिस कर रहे हैं सेपरेशन भी अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट डेल्ट में चेस्ट में एनिवन लेग्स में गाइस पूरी तरह से मिस कर रहे हैं लेग्स में भी डायरेक्ट से बेहतर सेपरेशन आप देख सकते हो विलियम की सो आई थिंक विलियम हियर टू साइड ट्राइस एंड ये एक डायरेक्ट का अच्छा पोज है इसमें डायरेक्ट का फ्लो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है

इट जस्ट उनकी मसल मेचोरिटी और सेपरेशन उस लेवल की है ही नहीं अभी क्योंकि वो है काफी ड्राई साइड पर लोअर बॉडी में विलियम और डायरेक्ट अगर दोनों को ही सेम लेवल पर भी देखें क्योंकि डायरेक्ट भी अच्छी सेपरेशन और ड्राइनेस प्रेजेंट कर रहे हैं तो आई थिंक ये पोज में एक अच्छे फ्लो के साथ डायरेक्ट को देना चाहूंगा बट विलियम टोटली कहीं भी लैक नहीं कर रहा है बट आई थिंक इस पोज में प्रेफरेंस क्योंकि बारी है है की। की आप किस तरफ लीन William की तरफ करोगे? जो एक थिक, बहुत ही ज्यादा थिक बैक के साथ है और जिनके लैट बिल्कुल नीचे आकर लग रहा है या फिर डायरेक्ट लेंट जो एक वाइडर और थिकर बैक के साथ है और साथ पर है. Lower body में की आर मैसिव. William में की उनकी फिजिक प्रोपोर्शंस कहीं भी लैक नहीं करे बहुत ही सिमेट्रिकल है सुपीरियर हो रही है दोनों ही अपनी अपनी जगह परफेक्ट है सो लेट्स एंड ये तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि damn, की कहा जाएगा बट डेम विलियम की बैग इज जस्ट सो डेंस डैम डेंस जैसे कभी आपने देखी होगी हाथों में मेहंदी लगे हुए इट्स कितने ज्यादा लाइस बनी हुई है बट विथ विथ टोटली लैक कर रही है विलियम के लैट्स आर नॉट ओपनिंग वाइडर एक कॉम्पैक्ट फ्रेम नाउ जब भी फिलहित की बैक की ये डिटेल्स आती थी फिल के लैट्स भी काफी वाइड ओपन होते थे

बट नॉट एज फाइब्रस एट डायरेक्ट डायरेक्ट की कंडीशनिंग ग्लूट्स और हेड के सेपरेशन बहुत ही जबरदस्त है सो आई नो ये एक डिबेटेबल पोज हो सकता है क्योंकि अगर जजेस सिर्फ डिटेल्स पर जाएं तो वो विलियम को ये पोज दे सकते हैं बट आई थिंक विलियम इज लुकिंग वेरी स्मॉल हियर स्पेशली विथ में एंड अगर साइज मैटर नहीं करता ओपन बॉडी बिल्डिंग में तो आई बिलीव शॉन को बैक में एंड्रू सैमसन या रैमी इन टर्म्स ऑफ कम्पलीटनेस एंड कंडीशन कोई भी बीट नहीं कर पाता और यहाँ पर लोअर तो so, बॉडी पोस so, ये पोस्ट डायरेक्ट को इन माई ओपिनियन जीता देती है नेक्स्ट पोज है और डायरेक् का एक स्ट्रॉग पोज तो यस यहाँ पर डायरेक्केट ऑफ एप्स के बेस पे प्लस यहाँ पर आई कैन सी के लेग्स में विलियम के प्रॉपर प्रदर्स बन रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि विलियम बने की कंडीशन यहाँ भी बेटर है बट नॉट टू फॉरगेट डायरेक्ट की सेपरेशन इस पोज में इज नॉट लैकिंग एट ऑल वो भी ऊपर तक आती हुई एक क्रेजी फ्लो बनता हुआ टॉप टू बॉटम जबकि विलियम का बेस्ट वर्जन भी एप्स के मामले में लैक कर रहा है सो ये तो इजीली डायरेक्ट को जाता हुआ एंड गाइस आज के लास्ट पोस्ट पे हम आ गए हैं और वो है मोस्ट मस्कुलर एंड आई सो विश विलियम एक ब्रेक के बाद इस वर्जन को दोबारा नेल कर पाए आई मीन हाउ ही इज लुकिंग हाउ शार्प डैम किस लेवल की सेपरेशन है मसल्स में

द फुलनेस ऑफ द एक्सक्लोसिव मसल्स विलियम टेक्स दिस पोस्ट बहुत ही आसानी से एंड आई होप ग इस वीडियो आपको पसंद आएगा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार कमेंट्स में अपना फीडबैक और अपनी जो भी ओपिनियंस होती है जरूर बताया करो आई रियली अप्रिशिएट दम और मुझे पता लगता है कि क्या क्या चीज़ों पर वर्क करना है और आपको वीडियो कैसे लग रहा है बाकी नोटिफिकेशन बैल को दबा दो थैंक यू बाय